आदमी कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस थाना धामनोद पर आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक। जी हां, आपको बता दें 12 मार्च शाम 7 बजे होली और रंग पंचमी और आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने के उद्देश्य शांति समिति की बैठक रखी गई। लॉकडाउन होने से यह त्योहार विगत 2 वर्षों से नहीं मना पाए थे। बैठक में बताया कि सुखी होली खेले और शांति सद्भावना का संदेश दे, जिसमें नगर व्यापारी एवं पत्रकार एसडीओपी राहुल खर्रे, टीआई राजकुमार यादव, नगर पालिका सीएमओ माया मंडलोई, एमपीबी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे जिला ब्यूरोधार सौभाग्य प्रजापति की रिपोर्ट। पर शांति समिति की बैठक रखी गई थी, क्या कुछ बैठक में रखा गया था, क्या मामला? आज शांति समिति की बैठक आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना परिसर में एसडीओपी महोदय और तहसीलदार और सीएमओ मैडम और एमपीबी के अधिकारी आए थे, जिसमें होली, भगोरिया, दुल्हेड़ी और सभ्य बारात, ये 4-5 जो त्यौहार आ रहे हैं उसके संबंध में लोगों से चर्चा की गई। जो शासन की गाइडलाइन है वो उस अनुसार सभी को अवगत कराया गया और जो जो उनके पॉइंट थे उनका उन्होंने रखड़ किया। कितने लोग शामिल हुए थे? करीब 50-60 लोग थे और पत्रकार बंधु और गणमान्य नागरिक और जो इनकी होली है वो लोग आए थे और उनको होली को त्यौहार कैसे मनाएं, कोरोना के 2 कठिन समय के दौर के बाद है होली आ रही, तो उसमें अपना हौसला को अच्छे से शांतिपूर्वक सद्भाव से होली मनाएं। एक से बढ़कर एक ताजी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।